शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना कर्फ्यू में 600 से कम एक्टिव मरीजों वाले जिलों में छूट देने की अनुमति दी गई है, लेकिन जनपद में रविवार तक कुल 1500 से अधिक एक्टिव मरीजों की संख्या है, जिसको देखते हुए अभी गोरखपुर में कोरोना कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है। जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में कोरोना के एक्टिव केस 1500 से अधिक है। शासनादेश के अनुसार जिन जनपदों में 600 से अधिक एक्टिव केस है, वहां पूर्व की भांति आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। एडीएम फाइनेंस ने जनपदवासियों से अनुरोध करते हुए कहा कि 2 गज की दूरी बनाए रखें तथा मास्क पहनें और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, जिससे हम कोरोना को कंट्रोल कर सकें। उन्होंने बताया कि जल्द ही एक्टिव केस 600 के करीब आ जाएगा, उसके बाद कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस हूँ। आज माननीय मुख्य सचिव महोदय का पत्र सर्कुलेट हो रहा है, मीडिया में भी हम लोगों को भी प्राप्त हो गया है। हमारा जनपद अभी हमारे यहाँ एक्टिव केसेस की संख्या 1500 से अधिक है। शासनादेश में यह उल्लिखित है कि 600 से अधिक एक्टिव केस जिन जनपदों में हैं, वहाँ लॉकडाउन पूर्व की तरह ही अभी कंटिन्यू करेगा। तो मेरा जनपद वासियों से अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि अभी संयम बरतें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, मास्क पहनें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, जिससे हम कोरोना को कंट्रोल कर सकें, आप कोरोना से संक्रमित ना हों, और जल्दी ही हम 600 के नीचे आ जाएंगे और तब हमारा लॉकडाउन खुल जाएगा। किन किन नियमों का पालन करना होगा? अभी जो कोविड प्रोटोकॉल था, प्रोटोकॉल में आपको भीड़ भाड़ भरे स्थानों में नहीं जाना था। नेचुरली इस समय ऐसे स्थान नहीं हैं। आपको 2 गज की दूरी घर में बाहर हर जगह मेंटेन करनी है, मास्क पहनना है, बार बार हाथों को धुलना है या सैनिटाइज करना है। आपने देखा हो है कि कोरोना एक महामारी थी और इससे बचना आपके ही हाथ में है, हमारे ही हाथ में है। आप सब लोग अगर इसका पालन करेंगे तो हम सब सुरक्षित रहेंगे।